नमस्कार कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। पहले हम जानते हैं क्रिएटिनिन होता क्या है। हमारा लीवर क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है, जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्रिएटिनिन बनता है। ये क्रिएटिनिन खून में मौजूद एक तरह का खराब पदार्थ होता है, जो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। एक आम इंसान में जितनी मसल्स होती हैं, उसके शरीर में उतना ही क्रिएटिनिन बनता है। किडनी आपके खून में क्रिएटिनिन और पानी के लेवल को सामान्य रखने में मदद करती है। एक अडल्ट मेल के खून में क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल लगभग 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और वहीं अडल्ट फीमेल में ये लेवल 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा का बढ़ना किडनी फेलियर के खतरे को भी बढ़ा देता है। आप अपने आहार का ध्यान रखते हुए अपने शरीर में बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है, तो ये आपकी किडनी की समस्या को गंभीर कर देगा। अब हम आपको बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने क्रिएटिनिन को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, किडनी पेशेंट के लिए सीमित मात्रा में तरल पदार्थ को रखा जाता है, जिससे उनकी सेहत सही रहे। डिहाइड्रेशन आपके क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से मिलकर अपने लिक्विड की मात्रा के बारे में जानिए। सेकेंड है, आपको बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए सोडियम का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को किडनी की समस्या के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, तो उस मरीज को अपने आहार में नमक की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय करनी चाहिए, जिससे किडनी की समस्या में सुधार आए और बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन भी कंट्रोल में हो जाए। किडनी पेशेंट साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। साथ ही किडनी पेशेंट को डब्बा बंद खाने का सेवन बंद कर ताजे भोजन को अपनाना चाहिए, जिससे किडनी भी स्वस्थ बनी रहे। थर्ड है, पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल। हम छोटे मोटे दर्द के लिए भी पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा पेन किलर्स खाने से हमारी किडनी पर बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से किडनी खराब हो सकती है। नॉर्मली हर दवाई को खाने का एक टाइम पीरियड या कोर्स होता है, उसी के हिसाब से दवाई का सेवन कीजिए और अपनी मर्जी से दवाई का टाइम ना बढ़ाएं। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खाते हैं, तो ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है। ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना किसी भी दवाई का सेवन ना करें। फोर्थ है, यूरिन रोकना। कई बार हम काम के दबाव में या किसी रीज़न की वजह से यूरिन को रोक लेते हैं, जिससे ब्लैडर भर जाता है और यूरिन किडनी की तरफ वापस चला जाता है। ऐसा बार बार करना हमारी किडनी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि यूरिन में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया किडनी को अफेक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्रिएटिनिन को बढ़ा सकते हैं। शरीर में बढ़ता क्रिएटिनिन किडनी फेलियर के खतरे को भी बढ़ा देता है। फिफ्थ है, एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कई बार ज़्यादा वजन वाली एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है। बीमार व्यक्ति को अक्सर डॉक्टर एक्सरसाइज करने से मना करते हैं। ज़्यादा वेट वाली एक्सरसाइज को करने से परहेज करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज को चुनें। एक्सरसाइज के अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। सिक्स्थ है, बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम करने के लिए आपको पोटेशियम वाले आहार का सेवन कम कर देना चाहिए, जिसमें शामिल है टमाटर, आलू, शकरकंद, क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, जो किडनी के मरीज के लिए हानिकारक होता है। कई बार इसके ज़्यादा सेवन से आपको पथरी की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। वैसे आलू और शकरकंद को उबाल कर या पका कर खाने से उनमें मौजूद पोटेशियम लगभग 50% तक कम हो जाता है, फिर भी किडनी पेशेंट को अपने आहार में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। सेवंथ है, अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, तो उसका सेवन तुरंत बंद कर दें। क्रिएटिन आपके शरीर में एक नेचुरल कंपाउंड है, जो लीवर की मदद से बनाया जाता है, जिससे आपकी मसल्स को एनर्जी मिलती है। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की वजह से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एट्थ है, जौ का पानी एक प्राकृतिक डायूरेटिक और किडनी क्लींजर का काम करता है। इसके सेवन से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल को कम करने में मदद मिलती है और क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो जाता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हुए डाइजेशन को सही करते हैं। नाइन्थ है, किडनी की समस्या से जूझ रहे किसी भी पेशेंट को सबसे पहले अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। किडनी के पेशेंट को अपने खाने में नमक के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए, जिससे किडनी पर काम का दबाव कम पड़े। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में से फॉस्फोरस और पोटेशियम वाले आहार को भी कम कर देना चाहिए। लास्ट है शहद। इसके सेवन से आपके शरीर में मौजूद एसिडिक लेवल को कम किया जा सकता है।
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये शरीर में होने वाली एसिड प्रॉब्लम्स को हटाने में हेल्प करता है। साथ ही हनी के सेवन से आप यूटीआई प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसके इस्तेमाल से किडनी की समस्या का खतरा भी कम हो जाता है, लेकिन इसका सेवन डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह पर ही करें। आज की वीडियो में हमने आपको बताई वो बातें जिनको ध्यान रखकर आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही नई नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।